नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और हमारे करियर मोड का एपिसोड नंबर 20 यहाँ पे शुरू हो रहा है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इंग्लैंड सीरीज से पहले एक छोटा सा लीग मैच आया है और सीपीएल का राउंड वन की शुरुआत हो रही है, जहाँ पे हम टीकेआर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एज अ कैप्टन भी खेल रहे हैं हम लोग। तो लेट्स सी इस मैच में क्या होता है। इसके बाद हम सीधे इंडिया चले जाएंगे, इंडिया की टीम के साथ जुड़ जाएंगे और वहाँ पे इंग्लैंड सीरीज का आगाज करने वाले हैं। भगवान अमेजॉन वॉरियर्स का कॉल था, हैट्स का, आप कप्तान में मुझे देख सकते हो। टॉस जीता है, ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं हम लोग। नंबर चार पे रखा है मैंने अपने आप को। लेट्स सी, राउंड 7 ओवर हुए हैं हमारी बैटिंग आती हुई, 33 मैचों में 1000 रन हो गए हमारे 62 के एवरेज से। लेकिन अभी लैपटॉप पर खेल रहे हैं तो सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि भैया लैग वैग क्या है, और वेस्ट इंडियन पिचे हैं। ठीक है, पहली गेंद सैफर्ड यॉर्कर लैंड, हल्का फुल्का लैग तो है इसमें कोई शक नहीं, दो लेंगे क्योंकि भरोसा है कि बॉलर पे कम से कम रनिंग हो जाएगी। सही है, पिछली पूरी ओवर सिमंस ने खेली है, नई ओवर फिर बाउंसर। हाँ, पिच के हिसाब से लगता है गेंदबाजी कर रहे हैं, एक रन आई थिंक इस बार रहने देंगे। ओवर थ्रो हो गया है और 4 रन मिल रहे हैं। कहां एक रन नहीं लग रहा था, कहां यहाँ पे सीधा 5 रन मिल गया, 4 एक्स्ट्रा। राइट आर्म फास्ट मीडियम, नाविन ओलाव, फिर कहीं ना कहीं इन्होंने शॉर्ट पिच रखी है गेंद, और वो सेंटर शॉट जो मैं कह रहा था अभी भी थोड़ा सा मिसिंग है। 3 रन निकाले हैं, सिमंस भी 7 दे रहे हैं, बट काफी डाउन चल रही है उनकी बैटिंग, 25 में 27 उनके कंपेरिजन में हम अच्छा खेल रहे हैं, 7 में 17। 10 ओवर के बाद 78 रन, अभी मैं जज नहीं कर सकता कि अच्छे हैं बुरे। सिंगल 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 सिंगल, ईजी है, ओवर थ्रो हो चुका है, एक्चुअली ओवर थ्रो नहीं कहूंगा मैं, गेम का बग कह सकते हैं। एक दो एक रन एक्स्ट्रा, गुड लैंड, आइडियल टाइमिंग और पॉइंट पर से पुश कर दिया है, स्ट्रोक लिया है और 4 रन, फील्डर काफी क्लोज थे बट इस बार नहीं रोका है। तो बाउंड्री मिली थी भाई, लॉफ्टेड, खेलते हुए गुड टाइमिंग और कैच आउट हो गए हैं भाई। हाँ, लैग तो है इसमें कोई शक नहीं, 1000 रन थे हमारे 62 का एवरेज था, उस 62 के एवरेज को झटका तो लगा है इस इनिंग के बाद। अभी दिक्कत पता है क्या, ये मैच जीत पाएंगे कि नहीं वो भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि सामने 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट चल रहा है, हम 11 में 24, हमारे ही बदौलत था जो स्ट्राइक रेट था। 172 बनाए थे हमने, गेंदबाजी हमारी आती हुई, 2 विकेट खो दिया है यहाँ पर सामने टीम ने, 17 विकेट अभी तक हमारे पास 33 मैचों में। पर गेंदबाजी जो ली है पावर प्ले में ली है, पहली गेंद बहुत अच्छा एंगल बीट, लेकिन मुझे लग रहा है अगली बार शायद पड़ जाएगी, जो डर है ना पड़ जाएगी, उसी कारण से फील्डर दोनों ऑफ साइड लगा दिए, बट गली से गैप टूटा है यहाँ पर हेमराज ने। 4 रन इन स्विंग, पैरों पे नहीं यार, देखने का मन नहीं करता जब ऐसा कुछ गलत हो जाता है ना, इतना पैरों पर बन गई थी, फ्लिक किया, 4 निकाला, 4 फील्डर डीप में ऑफ स्टंप पे, स्ट्रेटेजी वही जो पिछली बार थी, बहुत दूर गए वाइड लाइन लेने, तो आप टच यूज नहीं कर रहे हैं, अबे यार फिर से वाइड, अब देखना क्या होगा, पता बहुत अंदर आ जाएगी, अबे बेवकूफ, गेम स्ट्रेट कर देती यार कई बार। हाँ, पैरों पे लगी, अपील हुई, नॉट आउट, स्लोअर रखी है, सीधी रखी है, बढ़िया गेंद, अब आएगा मजा, कैच कैच ये करना है आपको, पकड़ना है, लेकिन आई थिंक कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा फील्डर से, मतलब कि 6 हैं, 2 वाइड के थे, 8 रन आ गए, बात करें रिक्वायर्ड की तो 8 ही रन रिक्वायर्ड है। नाइस यार, और मेरा डर तो भाई बरकरार ही है, ऑफ कट, और लीजिए वो डर जो है वो सही साबित होता हुआ, लास्ट गेंद पे 4, 10 से भी कम का अंतर, और इस अंतर को और कम करेंगे हम लोग हमारे इस लास्ट गेंद पे 6 के साथ। गोवाना वॉरियर्स आई थिंक विन द मैच, और 16 पॉइंट एक ओवर में मैच जीत गया है, काफी खराब एक्सपीरियंस रहा है बॉलिंग में स्पेशली। आईपीएल मैचेस, T20, वर्ल्ड कप, इन सबके बीच में कोई एक फॉर्मेट है जो थोड़ा सा दब सा गया है, वो है हमारा टेस्ट क्रिकेट। अभी इंटरनेशनल में तो आना बाकी है, बट हमारे गेम प्ले में यहाँ पर इंग्लैंड की सीरीज के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। 5 T20 का सीरीज है, लंदन में हो रहा है, इंग्लैंड के मैदान में हो रहा है, तो इंडिया के लिए 4-2 रही है, मजा आने वाला है। एक बार टीम देख लेते हैं कौन है, कुछ राइट साइड में आप देख सकते हैं, कप्तान है केएल राहुल। विराट कोहली 12वां प्लेयर यार, फिश भाई, बहुत करीब है विराट कोहली टीम 11 में आने में, प्लेइंग 11 में, हो सकता है कोहली का डेब्यू सीरीज में हो जाए। टॉस तो जीत लिया इंग्लैंड ने, मैं चाहता हूँ हमें बॉलिंग ले वो, हमारी बैटिंग आए, मतलब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है,
भाई अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो पे तो प्लीज जरूर से एक बार यार लाइक सपोर्ट कर देना। और तो ज्यादा कुछ मांग नहीं रहा बट इतना कर देना, क्योंकि यार अभी लाइव स्ट्रीम का कुछ ठिकाना है नहीं, आएगी कब आएगी पता नहीं, तो इसी वीडियो के थ्रू ही आप लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। तो लेट्स सी बाकी आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। बाकी मैं धमाका मचाने के लिए तैयार इंग्लैंड पे। 9 मैच 8 विकेट टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से काफी खराब, बट हम ऑलराउंडर हैं। रॉडी बर्न्स पैरों पे बहुत ज्यादा गेंद भाई, फील्डिंग और फील्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो यार मुझे इनको गुड लेंथ थोड़ी देनी चाहिए, बट ये गैप ढूंढ ले रहा है कवर पर। ठीक है देखते हैं कुछ करते हैं। ऑफ स्टंप पे खड़ी कर दी है दीवार, देखना है बल्लेबाज करता क्या है और कैसे इसको बीट कराता है। पहली गेंद डॉट, फील्डिंग चेंज करने के बाद बंस के सामने मजा आएगा। क्रॉस कर रहे हैं, लास्ट टाइम कवर पे खेले थे, इस बार भी अटेम्प्ट करते हुए पहली गेंद पे एजिस लग जाती तो मजा आ जाता। अमित के लिए भी ओवर दो विकेट ही है। एजिस वन बाउंस गली में कोई भी फंस जाए मुझे मजा है। 18 बॉलों में 16 लेट कट, शानदार कीपिंग कप्तान राहुल की। आफ्टर टच यूज नहीं किया, लीव मत करना। इस बार स्लिप में कमाल की फील्डिंग, चलो अच्छा है, नहीं तो वही पोजीशन है जो गैप बन सकती है। पहली बार राउंड द विकेट, इनसाइड। अब उनको भी भाई मिड विकेट पे ही एक गैप है, लेग साइड पे अगर गेंद आ रही है तो वो भी चाहेंगे कि वहां से हिट कर देंगे इनको। जाता हूँ इस गेंद पे, स्ट्राइक पे ही रहे क्योंकि अभी तक मैंने सारी इन स्विंग डाली है गेंद। ओ डिफेंस, चलो अच्छा है, आउट स्विंग मजा आएगा। गेम आउट स्विंग, अरे यार खेल गया धन फ्लॉप। भाई ओवर ही नहीं दिया मुझे, ओवर ही नहीं दिया, मतलब वही 2-3 शुरू में दिया। बैटिंग आ गई हमारी, टेस्ट फॉर्म मेरे ख्याल से बैटिंग में तो अच्छा ही होगा। मैं बैटिंग ऑलराउंडर आई थिंक कहलाना पसंद करने वाला हूँ। 64 एवरेज है, 1000 रन हो सकते हैं अगर 104 कर लेते हैं। धोखा ना दे लैग वैग में बाकी ठीक है। जेम्स एंडरसन अभी भी खेल रहे हैं, जब मैं इतना छोटा था तब वो इतने बड़े थे, आज वो बहुत बड़े हो गए हैं और मैं अगर गेम में देखा जाए तो मैं भी बड़ा बन रहा हूँ। 2 रन से शुरुआत, टेस्ट मैच का मजा लेते हुए सामने है गायकवाड। टेस्ट मैच का एक मुझे मजा आती है, फील्डिंग सेटअप मेरे बहुत अच्छा रहता है, कहने को टेस्ट है बट मैं खेलता हूँ T10 अंदाज से। 4 रन, कई लोग बोलेंगे भाई डिफिकल्टी बढ़ाओ, इश्यू इज नॉट द डिफिकल्टी, इश्यू यहाँ पर है गेम का दिमाग, फील्डिंग चेंज करने की उनको जरूरत है। शॉट्स पर आई लगेगा शतक, शतक का नाम लिया और बीट होते हुए बैटिंग जल्दी आ गई है। एक फायदा मुझे ये होगा कि स्पिनर्स को नहीं खेलना पड़ेगा, बट एजिस का क्या, ओके टाइमिंग का क्या, इसलिए मैंने कहा डिफिकल्टी तो सही है भाई प्लस लैग। शॉटक लगा दिया गया है, नई ओवर की शुरुआत, जेम्स एंडरसन शॉट यहाँ पे कमाल का, गुड टाइमिंग, 2 फुटवर्क आइडल और शॉट चॉइस है। 38 बीट, फील्डर बीट तो 4 भी बीट हो जाएगा, बाउंड्री भी बीट हो जाएगी, इससे गुड लेंथ। इस बार शॉट हमने बदला है, कब पॉइंट पे दिशा दिखाई है गेंद को, इजी 4 आता हो, 2 बाउंड्री लगा दी है। ओवर के रन की बात करें तो आ चुका है, मिडल और लैग ऐसा कंफ्यूज कर रहे हैं ना, लाइन लेंथ में ही है, मतलब मिडल पे आ रही है, आप चाहो तो कट कर दो, चाहो तो स्क्वायर कट कर दो, चाहो तो पॉइंट पे कट कर दो, चाहो तो लेग लेट कट कर दो, चाहो तो फ्लिक कर दो, चाहो तो बैक फुट जाके कवर खेल सकते हो, मतलब सारे शॉट खेल सकते हो इस गेंद पे। हमने पॉइंट पे ऑलरेडी खेल लिया था, सोचा चलो स्क्वायर निकालता है, बहुत साइड चेंज, ये अच्छा किया इन्होंने, इनके नजरिए के हिसाब से बहुत दूर गेंद, भाई लीव भी करो कोई दिक्कत, रेट 5 का और यहाँ से ये बढ़ता ही जाएगा। अर्ली चले गए थे पोजिशन में, एजिस ओपन हो चुके थे और जेम्स एंडरसन के लिए राउंड ऑफ विकेट मेरे सामने लकी साबित होता हुआ। मैंने इससे पहले भी कहा था कि दूर आ रही है गेंद को लीव करो, बट भाई ये दूर थी नहीं तो हमने अटेम्प्ट किया कवर पे, बट अनफॉर्चुनेटली इजी कैच दे दिया हमने, इजी कैच तो नहीं था, स्लिप में जाके उन्होंने पकड़ा है, तो नाइस कैच बाय कीपर बेस्टो, बाकी मैं आउट हो गया, खराब इनिंग। सेकेंड इनिंग में हमें बॉलिंग मिलने जा रही है, उससे पहले हाल ये है 308 इंग्लैंड ने मारे, हम 180 पे आउट हुए, 29 पे 0 है इंग्लैंड, 157 तगड़ी लीड लेके बैठा है। चल भाई संगीत अब तू अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाओ पहली गेंद पे, यार पहली गेंद पे हमेशा मेरी अच्छी रहती है, T20 में पिटता हूँ पर टेस्ट में मुझे सही लगी है पहली गेंद, और उसके बाद बंदा सेट हो जाता है, फिर कोई मौके नहीं देता। दूर रख रहे हैं, अंदर आती हुई स्लिप, या थोड़ा आगे आओ यार, लग रहा है स्लिप को आगे लाना पड़ेगा, बॉडी के जितना करीब हो सकती थी रखने की कोशिश, ड्राइव शॉट और यहाँ पे 4, इन्होंने भेद दिया है हमारे डिफेंस को जो पिछले इनिंग में नहीं कर पाए थे मेरे सामने। मैं इंतजार ही कर रहा था कि कौन से शॉट लेंगे जब बीट करेंगे, ड्राइव शॉट लिया है भाई, हमीद आउट होएगा, ऑफसाइड पे दे दे कैच, यस क्या भाई कितना तेज दौड़ेगा, थोड़ा धीरे भी हो जा, अरे दो मत दौड़। तो यहाँ पर संगीत जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्लेजिंग करते हुए दिखाई, जो कि गलत है क्रिकेट में, बट हमीद पे कोई असर नहीं,
चार ठीक है, इस बार तगड़ा आफ्टरटेक चूज कर रहे हैं। आई थोड़ा सा ब्रेक लिया था 22 ओवर के बाद बुलाया, पर मेरे को नहीं लगा। और यहाँ पे क्यों बड़ा सस्पेंस, मैं खुद ने उम्मीद छोड़ दी थी। और मैंने पहले ही आपको कहा कि द फर्स्ट बॉल इज द वेरी इंपॉर्टेंट बॉल मेरे ओवर का। अब अगर ये इस गेंद पे सर्वाइव कर जाते, एजिस लग के बच जाते तो फिर नहीं आउट होते। और रिप्ले तो बनता है बॉस, ये देखे खटाक, और फिर बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पे संगीत की तरफ से। हमीद मौजूद है और भीड़ होते हुए कास मिडल होती है गेम। स्लॉट लेंथ को ही पकड़ा है मैंने भी, बहुत न्यू की थी, इस बार भी बीट। अरे यार फर्स्ट बॉल थी ना, फ्लिक कर रहे थे बट बैक पैड हो गई। ओ ये क्या, अबे रन आउट, क्या क्या हो रहा है ये, काश ऐसे ही रन आउट हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड के पास 212 की लीड है, 9 विकेट जमा है, मैच में आ गए। थोड़े ओवर्स का ब्रेक, हमीद कर चुके हैं 50 पहली गेम, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ रन आउट, थोड़ा सा तेज बनाओ यार डेवलपर्स, आउट था भाई अगर थोड़ा तेज और रिएक्शन होता तो। कट बीट, स्क्वायर कट की फिराक में है, एक बार लपेटा जाए मजा आ जाए। मिस फील्डिंग नहीं, पॉइंट पे मिस फील्डिंग हुई है, 4 रन दे दिया है हमने रूट को। सेट हो गए तो भाई हिट हो जाएंगे, मैं जहां पिच कर आ रहा हूं वहां गिरे तो मतलब है। बैड बैड हट, लास्ट गेंद इस बार नहीं, 5वीं गेंद अच्छी, ट्राई करते हुए रूट को, सेम गेंद अपील। यार पैर तो हिले नहीं थे तो यार मिडल पे स्टांस था तो नॉट आउट यार। हमीद एटलीस्ट अगली गेंद पे स्ट्राइक पर है, अभी ओए ये क्या गेंद है, काफ लीव एंड बोल्ड हो जाए भाई, जिनको पता नहीं बता दूं ये मेरा ड्रीम है कि लीव करें और मैं बोल्ड करूं। लेकिन लीव की थी, बॉडी पे लगी थी, इस बार एज यार लास्ट की गेंद अच्छी हो रही है। हमीद शुरुआत में पुल किया है, बाउंड्री से शुरुआत की इस नए ओवर की, 274 हो गई है लीड इंग्लैंड। स्लो ओवर गेंद है, काफी देर से डाली है नहीं, इनसाइड एज लग चुकी है, अब जो भी आएगा भाई एक्स्ट्रा ही है, मतलब मैं तो विकेट की उम्मीद कर रहा था। एक रन, एक और स्पेल मिला है नया, दुख की बात पता है क्या, आई एजिस फिर बच गया, मिड ऑफ चली गई। दुख की बात यह कि मेरे, मैं भी विकेट नहीं ले पा रहा और कोई भी नहीं ले पा रहा, तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप को बहुत सही खेलता हुआ इंग्लैंड। जो रूट इनसाइड एज पे क्लीन बोल्ड होते हुए, इसमें स्टैंडर्ड पेस रखा था, सब कुछ स्टैंडर्ड था, सेम कंडीशन कमाल की। हाँ 2 विकेट निकाले, दोनों बोल्ड निकाले, पहली इनिंग मेरी खराब रही थी बट इसमें बॉलिंग अच्छी कहूंगा मैं भाई। जो सीम रखा था ना वो देखने लायक है, ये सीम कंडीशन खाली देखिए, क्या आवाज है ये कट की। ग्रैंड पिच, ओ बैट यार, तो खेल रहे हैं कुछ फायदा नहीं इनको। बधाई हो हमीद को, कर लिया है उन्होंने शतक और अपने अंदाज से खेल रहे हैं, एकदम मिडलिंग सारी गेंद है, थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, इतनी बड़ी इनिंग खेली है बट ओवरऑल बढ़िया। अब ऐसी कौन सी गेंद होगी जो हमीद को आउट करेगी, पिछली बार उन्होंने दूर से खेला था, इस बार आने दिया गेंद को, वेट किया काफी देर तक, वही कारण बन गया एजिस का, बट बच गए। बेन स्टॉक्स 12 में 18 अच्छा खेलते हुए, एजिस कोई है नहीं रोकने वाला क्योंकि कैच था ही नहीं, बट एजिस थी बढ़िया स्लिप में गई एकदम, बट जमीन पे टच करके स्टॉक्स को पूरी तरीके से कोशिश में है, इनके एजिस ही लग रही है यार, लॉन्ग ऑफ जा रही, मिड ऑफ जा रही है, अजीब है। यॉर्कर लेंथ पे कम बैक करते हुए हम लोग, अरे रे नहीं खेल पा रहे, बट दिक्कत यही है कि बोल्ड भी नहीं हो रहा, आउट भी नहीं हो रहा, खेल नहीं पा रहे, लेकिन ये पक्का ये गेंद में जहां डाल रहा हूं ना गिर गई तो आउट है। ये गुस्सा उतर रहा है पहली इनिंग का, जो मुझे 4 ओवर के बाद हटा दिया था, इस बार भरोसा दिखाया है और कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरते हुए, तीसरा विकेट हमने लेते हुए। ये गेंद क्यों अच्छी थी मुझे ध्यान नहीं, क्रॉस पकड़ी थी और सीम पकड़ लिया बाद में गेंद ने, एजिस बनाया और क्लीन होल्ड, कोई और भी आउट हुआ है शून्य पे। एजिस हमीद की पहली गेंद गिर गई फिर कीपर से पहले ही, गुड लेंथ और बीट भाई, 3 में से 2 निकालनी है विकेट, ब्रेक पड़ गया था हमारा, तो अभी जब मैं आया हूं तो सिचुएशन बदल चुकी है पूरी। अरे नेक्स्ट साइड फिर से बाउंसर, बॉडी पे डाल रहे हैं तो मजबूरी में खेलना पड़ रहा है उनको, नहीं तो वो लीव ही करते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई ये सब कुछ लाइन पर ही है,
यार एजिस बच गए इस बार, लेकिन तेज है एजिस कीपर तक वन बाउंस। भाई एक और विकेट ले गया है कोई नए ओवर में, अब दो विकेट्स बची हैं और ये चौथा विकेट हमको आता हुआ। ओ, पांच गिने हैं भाई। देखो मैं बता दूं, मुझे नहीं लग रहा कि अगर मैंने इस ओवर में विकेट नहीं लिया ना तो अगले ओवर के लिए बचेगा गेम। एक और बोल्ड किया है हमने, पांच बोल्ड मारे हैं हमने इंग्लैंड को। इस बार अगर इस एंगल से देखते हैं गेंद को, ये देखिए गेंद काफी पुराना हो चुका है, गंदा हो चुका है, गिरने के बाद पैरों पे लगा और फिर आप देख सकते हैं कि स्टंप्स की राह पकड़ ली। आखिरी गेंद, फाइफर का सपना अधूरा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। इंटरेस्टिंग होगा कि माइल्स लीव कर रहे हैं बाउंसर पे, सही है, थोड़ा इनका माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इनको यॉर्कर का भरोसा है कि मैं यॉर्कर ही डाल रहा हूँ और इन्होंने अपने सामने आउट होते हुए देखा है प्लेयर्स को। और ये क्या आउट ही नहीं हो रहा कोई, ठीक है 205 पे 3 पे मेरी बैटिंग आई है। मैं आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, मेरी बैटिंग आने के वक्त क्या सिनेरियो बन के बैठा है। अभी के लिए एवरेज थोड़ा घटा है, 61,000 होने वाले हैं अभी भी, हो सकता है। तो ये समरी है, इंडिया सिर्फ ट्रायल कर रहा है 176 रन का। मुझे लग रहा है इंडिया को जीतना चाहिए मैच, थैंक्स टू हमारे ओपनर्स गायकवाड़ और राहुल ने जो परफॉर्मेंस दिया उसके कारण हम जीत के करीब है। और गेंदबाजों ने जो लास्ट ओवर्स डाले वो मैं 5 विकेट हॉल नहीं ले पाया। एंडरसन फिर एक बार हमारे सामने, ठीक है पहली गेंद, हमेशा से थोड़ा सा नर्वसनेस बना रहता है पर पहला शॉट काफी सही तरीके से गुड टाइमिंग पे खेले हैं। तलाश है आइडियल की, 3 रन दौड़ना चाहते हैं बट सिचुएशन कैरी मत दौड़ो तो ठीक है। क्राउड काफी चेयर अप कर रहा है हमें इंग्लैंड का, उनका फैन फेवरेट हो गया। मैं कोहिनूर लेके आऊंगा भाई पक्का, मैं अगर ज्यादा खुश हुए तो। खेल रहा हूँ सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए, नहीं मैं चाहता हूँ वो सेंचुरी करें। हाँ मैंने तो मैच, मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं बन पाऊंगा, पिछली बार 1 लिया इस बार 4 लिया, मैच में 5 विकेट है, रन लेकिन कुछ ज्यादा थे नहीं, 20 रन थे। और आप अब यहाँ देखो कितने बनते हैं, आखिरी 2 गेंदें सब की सब पछाड़ रहे हैं मिडल और लेग की लाइन में, इजी मिड विकेट ओपन रखा है, खराब फील्डिंग सेटअप। RC22, WCC3, IB क्रिकेट, ये सारी गेम्स ऐसे ही जाते हैं, अगर आपको 2 चौके पड़ गए ना फील्डिंग यूं चेंज हो जाती है। और ये जनाब अभी भी नहीं कर रहे चेंज, क्या यार। अब है तो मारूंगा ना भाई मैं रन। एंडरसन साइड चेंज, थोड़ा सा डर लगना चालू हुआ है मुझे। और पहली गेंद कुछ समझ नहीं आई भाई, बाउंस देखो गली में गैप है, अगर खाली ही नहीं तो यॉर्कर लैंड डाल दी। ड्राइव शॉट, मत दौड़ मत दौड़ मत दौड़ भाई, देख के एंडरसन इस बार बाउंस है। और इस बार मेरी जो इच्छा थी वो गली वाली बात कर रहा था मैं, इससे पहले वाली गेंद पे हिट कर दिया 4 रन उसी दिशा से। साइड बदली, लाइन लेंथ बदला, फील्डिंग बदली, तो शॉट्स भी आपको शानदार तरीके से दिखाई देंगे। पॉइंट पे खेलते हुए, ग्राउंड बहुत छोटा है, वो पिछली बार भी दिख गया था एक्चुअली, पीछे से स्क्वायर और फाइन और स्ट्रेट बड़ा है, स्क्वायर और पॉइंट छोटे हैं। राहुल 87, मैं 37, सब सही रहा तो उनसे पहले करेंगे अर्धशतक। 4 रन, 40s में एंट्री, 3 रन दूर, स्क्वायर कट, और यहां पर अर्धशतक डन करते हुए। मैन ऑफ द मैच की कोशिश करेंगे बट बहुत सारे दावेदार हैं तो पता नहीं भाई कौन एग्जैक्टली बनेगा, बट यहां पर अच्छी पारी। नए ओवर की शुरुआत हमारे साथ, स्ट्रेट शॉट, और काफी सही गेंद थी यार ये, वो ज्यादा ही स्पीड से आई मेरी उम्मीद से, शॉट भी अच्छा उतना खेला। 3 दौड़ते हुए, नहीं 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 कोई तो आउट होगा। अपील हुई है तो आउट ही है यार, अपील हुई है तो आउट ही है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी भी सेफ है क्या, प्लीज सेव करा दे यार, मेरे को बहुत अफसोस होगा। यार काफी क्लोज था, 93 पे खेल राहुल को आउट कराया कप्तान है जो शिवम दुबे। एजेस बनती हुई, स्क्वायर से 4 लगते हुए, अर्ली टाइमिंग, विकेट का दबाव थोड़ा दिमाग पे बुरा लग गया मेरे को, फिर रन आउट नहीं करा था, जान बुझ के नहीं कराया भाई। अच्छी गेंद है, एजेस बनेगी और यहाँ पे झटका। ये ओवर ने इंडिया को मैच में पीछे ढकेल दिया है, कहना गलत नहीं होगा, साफ साफ एजेस लगी हैं। पहले यहाँ पे केएल राहुल आउट हुए और अब यहाँ पर संगीत इनसाइड एज, इस बार फिर लगती हुई, एवरेज हमारा फिर से कम होने वाला है। बट सबसे बड़ी दिक्कत कि मैच कौन जीतेगा, 98 रन करने हैं, 5 विकेट जमा है, मैं ऑटो प्ले कर रहा हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, 355 क्या हुआ,
ओह, इंग्लैंड 1/26 रन्स। भाई किसको दोषी कहोगे आप? केएल राहुल को दोषी कहोगे जो रन दौड़ गए, संगीत को दोष कहोगे जो एक ही ओवर में आउट हो गए उनके साथ। बाकी के प्लेयर्स का हाल अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाला है, मुझे पता है। सेकंड इनिंग स्पेशली लास्ट के बल्लेबाज जो इंडिया के थे, शून्य पे यादव आउट हुए, उत्कर्ष सिंह ने अच्छा खेला, बट मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह 20, दीपक चहर, इसको कहूं दोषी यार, शिवम दुबे डक पे आउट हुए। आई थिंक शिवम कुलदीप थोड़े बहुत रन कर लेते 26 तो इंडिया जीत सकता था। एंडरसन मैन ऑफ द मैच बने हैं पहली इनिंग में 3 विकेट और उससे पहले 8 विकेट टोटल मैच में। ये हमारा भाई खराब शुरुआत होती हुई सीरीज की, काफी निराशाजनक एंड हुआ है हमारे इस पहले मैच का, बट हम तैयार हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा। लाइक बोल अभी भी ऑन है भाई, जो लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब लोग यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे। 1, 2, 3, 4 का लाइक बोल है, कोई ऐसा इतना बड़ा लाइक बोल नहीं है कि जिसको भाई आप लोग कर नहीं सकते, तो एक तुम सब लगाना जल्दी से जल्दी। मैं इसका अगला एपिसोड लाऊंगा जहाँ पे हम कम बैक करना चाहेंगे इस सीरीज में। हारने का बिल्कुल मूड नहीं, क्योंकि रियल वाली इंडिया भी नहीं, रियल वाली इंडिया ने पहले 4 में अच्छा खेला था, बाद में गड़बड़ की थी, बट हम एक मिनट भी गड़बड़ नहीं करना चाहते। किया ओवल में होने वाला अगला मैच 6 सितंबर को, लेट्स सी क्या होता है अगले एपिसोड में। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइव स्ट्रीम अभी नीचे होने के चांस बहुत कम है, जब तक कि पीसी ठीक नहीं हो जाता या तो लैपटॉप में RC20 चल नहीं जाता। 22, बाय बाय, टाटा, गुड।